अभी मैं जस्ट बैठा था और मेरे दिमाग और दिल की ना लड़ाई चल रही थी। ये हालत हो गई है पैरों की और यहाँ जलने लगा, मुझे पूरा गर्म हो गया है। अरे यार 7 बज गए, चलो कोई नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली सुबह उठना था 5:30 बजे, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा मैं योगा कर लूँ और वॉक कर लूँ। वो हो नहीं पाया क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अच्छा लग रहा था, नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। जस्ट लुक एट दिस गाइस, ये मेरी बालकनी से व्यू है और बिल्कुल देखिए किस टाइप का हेजी सा वेदर है और थोड़ा ठंडा भी है। ओके चलिए, अभी उठे हैं तो चलते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं। वॉक तो बनता है, अभी 7 बजे हैं। पूरी हालत ख़राब कर दी है मैंने बिस्तर की, और मैं सोच रहा था कि मैं गोप्रो को लेके जाऊंगा, लेकिन गोप्रो जो है अभी चार्ज हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस फ्रेम। मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे वॉक करने जाना है और मैं लिफ्ट का बटन क्यों दबा रहा हूँ? 5th फ्लोर में हो ना, वॉक ही कर लेते हैं सीढ़ियों से। चलो ओके गाइस, नीचे आ गए हैं तो अभी क्या करेंगे ना, हम लोग चप्पल को यहीं खोल देंगे क्योंकि नंगे पैर वॉक करना है। वॉक करते हैं थोड़ा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5000 स्टेप्स तो करने पड़ेंगे। थोड़ा सा ग्रास में वॉक करूँगा नंगे पैर। अंकल जी योगा कर रहे हैं। ये व्लॉग बनाने का रीज़न क्या है कि फ़िलहाल मैं कोई ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार मैं कुछ डेली व्लॉग्स डालूँगा कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ को डालूँगा कि मैं करता क्या हूँ। वैसे अपना मैं सारा जो टाइम है स्कूल के अलावा, एक्चुअली आई एम अ टीचर, तो स्कूल के अलावा मैं कहाँ स्पेंड करता हूँ, स्कूल के काम के अलावा भी। ठीक है, ये पूरा कंक्रीट है, इस कंक्रीट में वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, ये हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, किड्स प्ले एरिया भी है, आपको दिखा देता हूँ। ओह इतना जंगल हो गया। ये जो पौधे दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे पौधे थे आज से, मतलब आप कोविड से पहले मान के चलो। ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे और अभी मैं अंदर आपको दिखाऊंगा। मात्र 2136 स्टेप भाई, 2000 स्टेप में हालत खराब हो गई। पता है क्यों? मेरे पैर जलने लगे। अब 2100 से ज्यादा मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। ये हालत हो गई है पैरों की और यहाँ जलने लगा, मुझे पूरा गर्म हो गया है। हाँ तो पूरा ग्रास, लेकिन इस ग्रास में ये हो क्या रहा है? कोई नहीं, 2100 स्टेप बहुत है। ओके लेट्स गो टू क्लब हाउस। टेबल टेनिस हॉल साफ हो रहा है और ये टेबल टेनिस खेला जाएगा ट्यूजडे में। लुक एट दिस, जिम में कोई है क्या? कोई है जिम में? है जिम में, कोई तो है। बंद कर रखा है स्विमिंग पूल, यहाँ से देख लो भाई। वॉक कंप्लीट, अभी चलते हैं। ट्यूजडे से थोड़ा बहुत टेबल टेनिस भी शुरू करना पड़ेगा खेलना। अभी चलते हैं फटाफट, चप्पल उठाते हैं और घर जाके जो है ग्रीन टी पिया जाए। ओके गाइस, अभी नहा चुका हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लेक्चर चल रहा है, देख लीजिए। इस लेक्चर को मैं कर लेता हूँ और ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर आपसे बात करूँ। लेक्चर ओवर हो चुका है अभी और ये डेली व्लॉग बनाने का रीज़न ये था कि बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो सोचा कि अब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें घर में भी और उसको जो है आपको शूट करके दिखाता रहूं। मैंने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है कि मैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को व्लॉग आएगा, जो कि डेली लाइफस्टाइल पे होगा, जो भी मैं करता हूं उसको मैं आपको दिखाता रहूंगा। और हो सकता है कि उसको देख के आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत यू नो मोटिवेशन फील करें, मोटिवेट हों। अभी मैं जस्ट बैठा था और मेरे दिमाग और दिल की ना लड़ाई चल रही थी, फाइनली जीत हो गई मेरे दिल की। किस मैटर को लेकर था वो? बेसिकली मैटर था क्या, चाय को लेकर। मेरा दिमाग कह रहा था कि यार ग्रीन टी पीना है, लेकिन फाइनली जो है मेरे दिल ने कहा नहीं यार, ग्रीन टी तो पीता है प्रेम, आज चाय पी ले। कौन सी वाली? दूध वाली, वो भी कड़क। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कड़क चाय। कड़क चाय तो ये है मेरी कड़क चाय। कैसे मैं इतना मोटिवेटेड रहता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसका सीक्रेट क्या है। तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं ये बुक पढ़ूंगा। बेसिकली ये बुक पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली, इतनी हो चुकी है देख लीजिए आप, इतनी पढ़ चुका हूँ। तो मतलब बहुत अच्छी बुक है, रिकमेंडेड है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे आप प्लीज़ ट्यून रहिए, जैसे ट्रैवल शुरू करेंगे फिर ट्रैवल ब्लॉग्स भी चालू हो जाएंगे। एक सिप पहले चाय पी लेता हूँ मैं, इतनी अच्छी चाय बनाता हूँ मुझे मालूम नहीं था। चाय पीने के बाद बुक पढ़ेंगे,
और बुक पढ़ने के बाद खाना बनाएंगे। अभी बता दिया मैंने, मंडे वेनेसडे फ्राइडे व्लॉग्स ज़रूर आएंगे। पता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है दिमाग को मनाना ना। और फाइनली मेरा दिल कह रहा था तो मैंने कहा नहीं जो है करना है, अब क्या है डेली कुछ ना कुछ डालते रहना है। तो मैंने कहा चलो लेट्स यूज़ दिस टाइम एंड यू नो मोटिवेट माई सेल्फ। अभी ये ठान लिया है कि बस व्लॉग तो डलेगा। जैसे अभी दिल की जीत हुई थी चाय में, उसी तरह से इसमें भी दिल की जीत हुई है कि व्लॉग तो डलेगा मंडे वेनेसडे फ्राइडे में। ठीक है, ओके गाइज, हैविंग सेड दैट, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने अपना संडे बहुत ही अच्छे से इन्जॉय किया होगा, मैं भी कर रहा हूँ। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यू नो ऑलवेज मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।